पन्ना जिले के थाना परिसर पवई में सीपीआर के विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएल चौधरी, थाना प्रभारी डीके सिंह के द्वारा आम नागरिकों पुलिस जवानों को प्राणवायु देकर जान बचाने की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि कई बार किसी व्यक्ति की अचानक से सांस रुक जाती है या फिर कार्डियक अटैक की स्थिति में किसी को सांस नहीं आती है, इस अवस्था में उसे सीपीआर दिया जाता है। इसकी वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांस दी जाती है, इससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की सांस रुक जाने पर सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है। अपराधियों को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो तात्कालिक उपचार देने के लिए या फर्स्ट एड देने के लिए सीपीआर का जानना, सीपीआर की विधि का जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रशिक्षण देकर के हमने ये अवगत कराया है कि यदि इस तरह की दुर्घटना के दौरान किसी भी तरह की हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है तो तत्काल मौके पर उपस्थित होकर के तत्काल उसको कार्डियक मसाज करने की ज़रूरत है और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देकर के जो है उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। सीपीआर की प्रक्रिया है दी जाती है। अभी डॉक्टर साहब से हमारे डीएमओ साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई से श्री चौधरी साहब आए हैं, कैसे सीपीआर दिया जाता है, सीपीआर देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, हाथ और उंगलियों की प्रक्रिया कैसी है, कितना सीपीआर कितनी देर देना चाहिए, सीपीआर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई हैं और आप लोग भी इसमें उपस्थित हैं।